लेकिन यहाँ पर देखिए बात की जाए तो घटना स्थल पर करीब 20 जवान के जो शव हैं यहाँ पर पड़े हुए हैं। जहाँ तक आंकड़े का सवाल है, मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, मगर दोनों ओर का नुकसान हुआ है, हमारे जवान शहीद हुए हैं। मैं उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि भी देता हूँ और उनके परिवारजनों को और देश को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी लड़ाई और मजबूती के साथ और मक्कमता के साथ और तीव्रता के साथ इन नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी और हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे। धन्यवाद।